एक चीज को आदमी एतकादी तौर पर तो हलाल समझता है मगर जबान से बोल देता कि यह हराम है, तो आदमी क्या करे? कसम का कफारा दे। मसलन ये पानी है, पानी हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया। वो कहता है कि खुदा की कसम मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, पानी तो पीऊंगा मगर ठंडा पानी नहीं पीऊंगा। अब जाहिर है कि ये पानी ठंडा, ठंडे पानी को अल्लाह तबारक तआला ने हलाल करार दिया है। तो अब आदमी ये कहते कि खुदा की कसम मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, एतकादी तौर पर तो मानता है कि पानी हलाल है मगर जबान से बोलता है कि खुदा की कसम मैं ये ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, तो क्या करे? कसम को तोड़ दे और कसम का कफारा दे। कसम का कफारा भी बताया गया बाद में आगे, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फी अयमानिकुम। कसम का कफारा क्या है? या तो 3 दिन का रोजा रखे, या इसी तरीके से गुलाम आजाद करें, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा दे। इन 3 चीजों में से कोई एक काम करे और अपनी कसम तोड़ दे। इसलिए कि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है उसे हराम करने का हमें कोई हक नहीं। और तीसरी शक्ल यह है कि दिल से भी मानता है कि यह चीज हलाल है, जबान से भी बोलता है कि यह चीज हलाल है मगर अपने ऊपर उसको हराम कर लेता है। 2 तरीके से, या तो उसकी तबीयत नहीं कहती है, तबीयत नहीं कहती कि भाई मैं इसको नहीं खाऊंगा। तो अगर तबीयत की वजह से वो किसी चीज को नहीं इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जायज है। बाद चीजें बाद आदमियों को पसंद नहीं होती जबकि वो हलाल होती, आदमी तबीयत के इक्तदा के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं करता, जायज है उसके लिए। लेकिन अगर अल्लाह की किसी हलाल करदा चीज को नेकी समझ करके वो कहता है कि मैं छोड़ता हूं तो ये बिदात है। बाज लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे अमल करते हैं कि उसमें हम लोग प्याज नहीं खाते, तो प्याज जब अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया है तो आप कौन होते हैं उस हलाल चीज को हराम करने वाले? कहते हैं हम कुछ अमलियात करते हैं और अमलियात करने की वजह से हम लोग ये कच्ची प्याज नहीं खाते। अब देखो, किसी हलाल चीज को नेकी समझ करके हराम कर लेना, ना इस्तेमाल करना, ये बिदअत है। तो ये हलाल को हराम करने के कितने तरीके, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि कसम 3 तरीके की होती है। एक होता है लहव कसम, जिसको यमीन लहव बोलते हैं, आदमी तकिए कलाम के तौर पर बोला करता है खुदा की कसम ऐसा नहीं करूंगा, खुदा की कसम ऐसा नहीं करूंगा, यानी आदमी बिला इरादा बिला इख्तियार कसम खाता रहता है, उसकी आदत हो जाती है कसम खाने की। तो अल्लाह तबारक व ताला इस कसम के ऊपर कोई मुआखजा नहीं करेगा। और दूसरी कसम, अपनी चीज को बेचने के लिए झूठी कसम खाता है तो यह है यमीन गमूस, इसका कफारा नहीं है, यह अकबरुल कबाइर है, बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है, इसका कफारा नहीं है, सिर्फ तौबा है इसके लिए। अपनी चीज को झूठी कसम खा करके बेचना यह यमीन गमूस है, यमीन गमूस का कफारा नहीं होता, यह अकबरुल कबाइर है, बड़े बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है, सिर्फ तौबा है, इसके लिए कफारा नहीं है। तो एक कसम तो ऐसी है कि अल्लाह उस पर पकड़ नहीं करेगा, आदमी बिला इख्तियार बिला कसद बिला इरादा कसम खाता रहता तो उस पर तो गिरफ्त नहीं है, वो माफ है। और एक कसम है यमीन गमूस की, आदमी अपनी चीज को बेचने के लिए झूठी कसम खाता है, तो ये झूठी कसम खा करके सामान को बेचने पर इस कसम का कफारा नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, सिवाय तौबा के इसका कोई कफारा नहीं है। और तीसरी शक, किसी हलाल चीज के बारे में ये कह दे कि खुदा की कसम मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा तो अपनी ये कसम तोड़ दे और कसम का कफारा दे।